Hey everyone, good afternoon. I hope you all are doing well and welcome back to your own channel, The Glam Beauty with Riya. So, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे पर्पल का हॉल. आप लोग सभी जानते हो 4 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक, इट मीन्स कल तक, एक पर्पल में एक सेल चल रहा था सब ब्रांड के ऊपर 50% ऑफ. तो इसमें मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट परचेज की हूँ. क्या क्या मैंने परचेस किया है वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो पहला जो प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है फ्रॉम purple.com वो है ये स्टेकविक का ये फाउंडेशन है एंड इसका शेड नंबर है सीक्रेट सैंड एसक्यू का ये फाउंडेशन. सो जो मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस किया है मोर ऑर लेस सभी फर्स्ट टाइम है. सिर्फ एक प्रोडक्ट मैं अभी यूज कर रही हूँ तो वो उसको छोड़ के सब प्रोडक्ट मेरे पास न्यू है. सो वही मैं वो बता रही हूँ, दैट इज ये स्टेकविक का जो फाउंडेशन है इसका प्राइस मुझे लगभग 140 रुपीज लिया. 140 रुपीज में मैंने इसमें परचेस किया है, 140 रुपीज में. एंड दिस प्रोडक्ट आई डोंट नो बट मुझे ट्राई करना था एक बार स्टेकविक का एक फाउंडेशन, सो इसीलिए मैंने परचेस किया. लेट्स सी कैसा होता है, इसका रिव्यू मैं जरूर शेयर करूंगी गाइस आप लोगों के साथ. सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोडक्ट. इसके बाद जो मैंने सेकंड प्रोडक्ट खरीदा है ये है आई एम्स्टर्डम का एक रेड शेड का लिक्विड लिपस्टिक. लेट मी शो यू गाइस, इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है. दिस इज ऑल्सो वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी. मैं आई एम्स्टर्डम का कोई भी प्रोडक्ट पहले नहीं यूज किया है. सो या यू गाइस कैन सी दैट दिस इज द प्रोडक्ट आई एम्स्टर्डम का. एंड इसका शेड भी बहुत अच्छा है ऐसा दिखने में मुझे लग रहा है. या यू गाइस कैन सी दैट एंड इस पे लिखा है 8 आवर्स तक स्टे करेगा एंड इसका प्राइस है 185. इसका प्राइस है 185. सो दिस इज माई सेकेंड प्रोडक्ट. इसके बाद जो थर्ड प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है दिस इज ऑल्सो वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी, दैट इज स्टेकविक का ये काजल. स्टेकविक का एक बैड एश काजल मैंने परचेज किया है एंड इसका प्राइस है 100 रुपीज. मुझे एक बार यूज करना था सो इसीलिए दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो आई ऑर्डर्ड. एंड लेट्स सी कैसा है, इसका रिव्यू ऑल्सो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. सो या इसके बाद जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है ये है स्टेकविक का मिनी कंसीलर जो मैंने अभी यूज किया है. एंड ये स्टेकविक का मिनी कंसीलर मैंने पहले भी परचेज किया है, दिस इज द सेकेंड टाइम. एंड इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, यू गाइस कैन चेक इट आउट. मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी हूँ. सो दिस इज माई सेकेंड टाइम परचेस. ये प्रोडक्ट भी ठीक ठाक है. सो या दिस इज माई फिफ्थ प्रोडक्ट. इसके बाद जो मैंने परचेस किया है ये है एन वाई बे का एक द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोहल. एक कोहल पेंसिल मैंने खरीदा है, ये भी ब्लैक ही है. या दिस वन यू गाइस कैन सी दैट ये एन वाई बे का है. And let me show you guys. Yeah, this one. It's really look very good. And this is also very first time for me. Let's see कैसा होता है ये. मैं इसका भी रिव्यू जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ. एंड इसके बाद जो मैंने परचेस किया है वो है ये बेला होस्टे. दिस इज ऑल्सो वेरी फर्स्ट टाइम मैंने बेला होस्टे का कुछ भी चीज पहले यूज नहीं किया या फिर कोई भी चीज मैंने नहीं खरीदा. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं एक लिपस्टिक परचेस कर चुकी हूँ. सो या दिस इज द पैकेजिंग, यू गाइस कैन सी दैट. एंड इसका जो कलर मैंने चूज किया है एक न्यूड शेड का, यू गाइस कैन सी दैट ये पिंक के ऊपर है एंड दिस इज टोटली न्यूड शेड. जब आप लिप्स के ऊपर अप्लाई करोगे जितना दिख रहा है इतना ज्यादा नहीं है. सो मैंने एक बार कल यूज कर देख चुकी हूँ. सो ये बेला भोस्ते का है एंड इसका प्राइस है 225. लाइक सी कैसा होता है. मैं एक चीज बताना भूल गई गाइस, इसका प्राइस मैं बताना भूल गई. जो एक पेंसिल मैंने खरीदा है कोहल पेंसिल इन वाई बे का, इसका प्राइस है 75 रुपीज. द बिग एप्पल ऑफ माई आई 75 रुपीज इसका प्राइस है. इसके बाद जो मैंने खरीदा है वो है एन वाई बे का. मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैंने एन वाई बे का ही खरीदा है. एन वाई बे का ये एक लिपस्टिक मैंने खरीदा है. ये
कलर इज दिस, ये डीप पर्पल है, तो यही मैंने खरीदा है। लेट्स सी कैसा होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी फर्स्ट टाइम। इसके बाद मैंने जो परचेस किया है ये भी एन वाई बे का ही है, ये है न्यूड शेड, ये न्यूड शेड है, आप लोग देख सकते हो गाइस, ये थोड़ा पीच फीलिंग देता है। एंड जब आप इसको आपके लिप्स के ऊपर अप्लाई करोगे ना तो एकदम न्यूड एक लुक देगा। एंड ये भी मैंने कल यूज किया है एंड दिस इज ऑल्सो, मुझे फर्स्ट टाइम यूज करने में इसको अच्छा लगा। सो हाँ, इसका प्राइस मैं बताना भूल गई, ये 123 करके, ईच 123, ये 123 एंड दिस वन इज ऑल्सो 123। एंड इसके बाद जो मैंने प्रोडक्ट परचेस किया है वो है एन वाई बे का एक रिमूवर, नेल रिमूवर मुझे खरीदना था। तो मैं ऑल टाइम टिश्यू ही प्रेफर करती हूँ, बट दिस टाइम पर्पल में अवेलेबल नहीं था इसीलिए मुझे लिक्विड खरीदना पड़ा। एंड एन वाई बे का कभी मैंने यूज नहीं किया, सो या दिस इज इट। एंड इसके बाद जो मैंने खरीदा है वो है अगेन फ्रॉम एन वाई बे, एन वाई बे से एक ये काजल है, दिस इज ऑल्सो ग्रीन कोहल पेंसिल विच आई ऑलरेडी यूज, यू गाइस कैन सी दैट मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ गाइस ये दिस वन, एंड ट्रस्ट मी गाइस दिस इज रियली वेरी गुड, मुझे बहुत पसंद आया ये। एंड इसका प्राइस भी है ओनली 75 रुपीज में मैंने ये परचेस किया, आप लोग इसको यूज भी कर सकते हो बहुत टाइम तक, सो या दिस इज इट। एंड इसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट मैंने खरीदा है दिस वन इज डार्लिंग इसाबेला, यू गाइस कैन सी दैट, ये डार्लिंग इसाबेला का एक पिंक शेड का लिपस्टिक है जो मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ, यू गाइस कैन सी दैट यही प्रोडक्ट मैं यूज कर चुकी हूँ। एंड आपको एक बार दिखा देती हूँ इसका कलर, दिस इज द कलर, बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर देगा, आप लोग हेवी मेकअप में भी यूज कर सकते हो, लाइट मेकअप में भी यूज कर सकते हो। सो या यही प्रोडक्ट मैंने परचेज किया है फ्रॉम purple.com एंड बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा था, सो इसलिए मैंने इतना सारा प्रोडक्ट खरीद लिया। एंड आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों में से कौन कौन क्या क्या चीज खरीदे हो फ्रॉम purple.com, ये जो सेल चल रहा था इसके ऊपर। So yeah, that's all about today's video guys. If you like this video then please do like, share and subscribe my channel and also press the bell icon ताकि जो भी मैं video upload करूँ आपके पास notification जरूर जाए। So till then take care, bye bye, see you in the next video.